कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। देव, हेलो देव। हाँ माँ, मुझे पता था तू जगी हुई होगी। और नहीं तो क्या, मुझे बता सोनाक्षी कहाँ है। सोनाक्षी मेरे साथ ही है माँ। ठीक है, शुक्र है भगवान का। वैसे मुझे पता था कि तू गया है तो सोनाक्षी को साथ लेकर ही आएगा। तुम लोग सो जाओ, हम दोनों घर ही आ रहे हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ, पर सोनाक्षी ठीक तो है ना। हाँ माँ ठीक है। मैंने कहा ना मेरे साथ है, ठीक है। बाय। ठीक है, दोनों साथ में हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। ठीक है, अब आप परेशान मत हो। माँ को नहीं बताएंगे। अलीना, व्हाट हो गया तुझे, यहाँ क्यों सिट कर रही है? कुछ नहीं मम्मी जी। अरे विक्की, कितना वाटर पिएगा? कुछ और चाहिए तुझे? नहीं। अलीना, वो मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, एक मिनट। कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच? बैटिंग हुई है तुम दोनों की? नहीं कुछ नहीं हुआ, वो बस मुझे नॉर्मल बातें करनी है उससे। ऐसे कैसे खास नहीं है, तुम दोनों आपस में स्पीक भी नहीं कर रहे हो, क्या हुआ है बताओ मुझे, बोलो। मम्मी कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, विक्की को जो कहना था और जो करना था वो कर चुका। विक्की, अलीना क्या सही कर रही है बता मुझे। मम्मी कुछ नहीं हुआ है, आप अपने रूम में जाओ, मैं बात कर लूंगा उससे। विक्की मैं, मम्मी आप जाओगी रूम में, कर रहा हूँ ना मैं बात। अलीना, अलीना, छोड़ो मेरे हाथ। मैं तुझसे सॉरी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और तू हाथ छोड़वा रही है। अपना सॉरी अपने पास रखो विक्की, क्योंकि तुमने जो मेरी इंसल्ट की है ना वो इस सॉरी से कम नहीं होगी। किसने तुम्हें हक दिया मुझ पर हाथ उठाने का? तुम एक बात भूल रहे हो, तुम मेरे हस्बैंड हो, भगवान नहीं। पता था मुझे, पता था कि यही होगा, क्योंकि लोग मेरी जिंदगी में बार बार टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस घर में कोई चाहता ही नहीं है कि मैं खुश रहूं। तुम्हारी बातें सुनकर ना मुझे यकीन हो गया है कि तुम पूरी तरह से अंधे हो गए हो। अपने फेलियर्स का इल्जाम किसी और पर लगाने से कुछ नहीं मिलेगा। अलीना, रुक क्यों गए? उठाओ, उठाओ ना हाथ, तुम्हें तो यही आता है। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले एक बार याद रखना कि अगर तुमने फिर से लाइन क्रॉस की या हमारी फैमिली को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी लाइफ से चली जाऊंगी, और अकेले नहीं, गोलू को अपने साथ लेकर। मुझे छोड़ के जाएगी तो? जरूरत पड़ेगी तो जरूर डिवोर्स लेकर जाऊंगी, तब तुम्हें समझ में आएगा कि फैमिली का क्या मतलब होता है। देव, हम कहीं कॉफी के लिए रुक सकते हैं प्लीज? ओके। मैं जो डॉक्टर ने बोला है वही सब करना है, कुछ नई चीज नहीं करना। वाओ, सो ब्यूटीफुल। ये तो मतलब जो सरप्राइज है, आई मैं हर रोज बाहर जाना चाहिए ऐसा हो। तुम लोग इतनी जल्दी, तुम लोग तो 3 घंटे बाद आने वाले थे ना। आने से पहले फोन भी नहीं किया, बताया भी नहीं कि आ रहे हो। माँ, हम लोग का काम जल्दी खत्म हो गया तो हम लोग आ गए। बाय द वे, ये डेकोरेशंस किसने किए? सो ब्यूटीफुल। और आप लोग ने ये ड्रेसेस क्यों पहन के रखे हैं? वो एक्चुअली ये हमारी शादी की ड्रेस, वो हम लोगों ने पंडित जी से मिलके अपने 7वें फेरे की रस्म पूरी कर ली। अब हम लोगों की शादी हो गई है। आपने तो कहा था इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। हाँ कहा था, फिर खुद ही जिद करने लगे।
कि विधि की रस्म पूरी होनी चाहिए, इसीलिए मैंने भी इनका मन रखने के लिए हाँ बोल दिया। ओह हाउ क्यूट बाबा। व्हाट क्यूट? हम लोग न्यूली मैरिड कपल हैं और तुम लोगों ने हम लोगों के आके यहाँ पे फर्स्ट नाइट खराब कर दी। रिजॉय कोई बात नहीं, हम लोग होटल में चले जाते ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं, अब तो तुम लोगों ने सब देख लिया है, सारा थ्रिल ही खत्म हो गया। दिस इज नॉट फेयर, मतलब आप लोग भी तो आए थे हमारे हनीमून पे। गुड नाइट। गुड नाइट। एक सेकंड सोनाक्षी रुको। ये दो कॉफी। थैंक यू भैया। लो बात कर रही हो, अगर मुझे पता होता तो मैं जानबूझ के जल्दी आता। अरे तो तुम्हें पता होना चाहिए था ना शौरव। दारुण, तुम भी तो इस घर में रहती हो ना, तुम्हें तो पता होना चाहिए था। ये वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। हाँ मतलब बहुत रोनिता, मैं फिर से कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये हमारे लिए किया है कि वो माँ बाबा ने अपने लिए किया? How stupid, Shaurav, obviously हम लोगों के लिए किया। I can't believe, कितना अच्छा सजाया है ना माँ बाबा ने हमारे लिए। हाँ मेरे पेरेंट्स कितना एम्बरेस फील कर रहे होंगे। और मेरे हमारे पेरेंट्स जो कि सुपर क्यूट है। निकलती हूँ। हाँ आई एम सो हैप्पी। क्या फिर से ऑफिस जा रहे हैं? देखना लक्ष्य आपको देख के बहुत खुश होगा। और ना ऑफिस में किसी का मन ही नहीं लग रहा था आपके बिना। और माँ आप ना बहुत प्यारे लग रहे हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जी जी आप ऑफिस जा रही है ना तो मुझे वे में ना मार्केट में उतार देना, बहुत सारी सब्जियां लेनी। अरे कमबख्त सब्जी वाला ना दो दिन से होम में कम ही नहीं हुआ है। अरे सब्जी खरीदने के लिए आपको मार्केट जाने की जरूरत ही नहीं है, है? अरे भाभी वो मेरे ऑफिस में जो लैपटॉप है ना उस पर एक ऐप है, सब्जी की मंडी समझ लो। हाँ उस पर जाकर मैं आपको जो चाहिए सब्जी मंगा सकती हूँ। आप बस मुझे बोल दीजिए, मैं मंगा दूंगी, सब्जी घर पर आ जाएगी। ठीक है ठीक है, चलो निकलती हूँ। अरे रिया आरो इसकी फोटोज क्यों नहीं भेजी अब तक? माँ एक्चुअली ना मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं प्रिंट निकाल पाऊँ तो इसलिए दे नहीं पाई। लेकिन मुझे प्रिंट चाहिए ही नहीं, मैं तो वो कंप्यूटर पे वो लैपटॉप पे एक डिजाइन बनाने वाली हूँ सबके फोटोज के साथ। इसके लिए तू मेल ही कर देना मुझे। ठीक है ठीक है माँ। पता है भाभी आजकल चाहे जितनी भी फोटोज हो हम सारी की सारी बादलों में रख सकते हैं। हैं हैं बादलों में फोटो। जी जी कुछ भी ना। सच्ची मामी माँ के कहने का मतलब है क्लाउड स्टोरेज यानी आजकल इंटरनेट पे भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। अच्छा चलो चलो मैं निकलती हूँ, मुझे देर हो रही है। सोना और देव को बोल देना कि मैं
ऑफिस गई हूँ. ठीक है, बाय माँ. अरे उठो मत, सो जा. कल रात इतनी बड़ी एक्शन सीक्वेंस करके आए हो, इतना सारा स्ट्रेस, इतना सारा टेंशन, अब सो जाओ. जब नींद पूरी हो जाएगी ना तब उठ जाना. ओके, मुझे ऑफिस जाना है, मैं निकल रही हूँ. इतनी जल्दी? हाँ, कल बताने का वक्त ही नहीं बना. इन्वेस्टर के साथ डील फाइनल हो चुकी है, बहुत बड़ी डील है और वक्त बहुत कम है, इसलिए जाना पड़ेगा. बस ये स्कूल गए, तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी है, खा के जाना. मैं जा रही हूँ. ओके, नहीं जाऊं. आई विश नहीं जाना होता, लेकिन जाना होगा वरना देर हो जाएगी. ओके बाय, बी सेफ. सबसे पहले हमें ये एनालाइज करना पड़ेगा कि हमारे कंज्यूमर्स कौन सा खाना खाना पसंद करते हैं, राइट? मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा. डॉक्टर बोस, मुझे आपकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके एस्पेक्ट की स्केल बहुत ह्यूज है. इन्वेस्टमेंट एक छोटी सी बात है, लेकिन इसके साथ साथ इतनी बड़ी क्वांटिटीज की प्रोडक्शन, डिलीवरी और ये सब. आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन जैसे मैंने प्रॉमिस किया है आपको, सब कुछ वैसे ही होगा. मैं खुद ये सबको हैंडल कर लूंगी, डोंट वरी. जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए है उतना इम्पोर्टेंट मेरे लिए भी है, सो डोंट वरी. सॉरी, तो मैं कह रही थी कि आप पहले फोन रिसीव कर लीजिए. सॉरी, एक्सक्यूज मी, आई कॉल यू बैक. ओके बाय. सॉरी, तो बस मैं यही कहना चाहती थी कि आपका जो कंसर्न्स है वो वैलिड है, डोंट वरी, सब कुछ मैं हैंडल करूंगी. एक्सक्यूज मी, हेलो मिस्टर दीक्षित, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं. श्योर, मैं अभी बोल देता हूं. आपने बताया नहीं डॉक्टर बोस कि आप मिस्टर देव दीक्षित की वाइफ हैं. आप तो खुद एक इतना बड़ा नाम है. ये जानने के बाद तो मैं और भी ज्यादा श्योर हो चुका हूं कि मुझे आपसे बेटर पार्टनर नहीं मिल सकता. मेरे नाम से ज्यादा अगर आपको मेरे काम पे कॉन्फिडेंस हो तो ये डील पूरी हो सकती. ऑफ कोर्स, मुझे आपके काम पे कोई डाउट नहीं है. अभी आप जाइए, मिस्टर देव दीक्षित नीचे आपकी वेट कर रहे हैं. तुम यहाँ क्या कर रहे हो और उनका नंबर तुम्हें कहाँ से मिला? क्यों, कैसे, कहाँ, कब, इन सब सवालों का जवाब तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे पति के पास. दिस इज नॉट फनी. हाँ, इवन आई एम सीरियस. तुम घर से निकली तो मैं तुम्हारे पीछे ही था. तो तुम मेरा भी पीछा करने लगे हो? पीछा नहीं, तुम्हारी याद आ रही थी, मिस कर रहा था तुम्हें. मिस करने वाले ऐसे दूसरी तरफ नहीं दिखते. और मिस करने वालों की वाइफ ऐसे गुस्सा नहीं होती, डांटती नहीं है. देव, लुक एट मी. कल जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था. जब बाहर बारिश होती है तो लोग छाता लेके बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलना थोड़ी ना बंद कर देते. तुम्हारी हर एग्जाम्पल बारिश से रिलेटेड क्यों होती? आई मिस्ड यू, सो मैं आ गया. No big deal. देख रहे हो, उन्होंने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया. Congratulations. यही तो तुम चाहती थी ना? Exactly. ये मैं चाहती थी, तुमसे करवाना नहीं चाहती थी. तुम्हारा नाम यूज करके अगर मैंने कुछ अचीव किया तो मेरी जीत नहीं हुई. लेकिन मैंने कुछ नहीं किया. तुमने ही सब कुछ किया है. उसे फोन करके ये बताया कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और एक मिनट में उसके सारे कंफ्यूजन छूमंतर हो गए. तुम मेरी वाइफ हो ये भी उतना ही बड़ा सच है जितना ये सच है कि तुम डॉक्टर सोनाक्षी बोस हो. तुम नहीं समझने वाले. देखो, इतनी बात मुझे समझ में आती है कि तुम स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, हार्ड वर्किंग हो और उसकी वजह से तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है. अब इसके साथ साथ तुम मेरी वाइफ भी हो, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ?
और हाँ, मैसेज का रिप्लाई तो कर दो। हाँ टक्कर बोल, केबिन में हूँ। देखो देव दीक्षित के ऑफिस में काफी सिक्योरिटी है, हर जगह सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल्ड है, तुम्हें सावधानी से काम करना पड़ेगा। उसकी चिंता मत कर, विकी ने सब सेट कर दिया, बाहर जाते ही फुटेज डिलीट कर दूंगा। अभी जो मैंने बोला था वो सब कुछ हो चुका है, अब तुम्हें डिसाइड करना है। फायदा तो है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों भाई मिलकर मुझे फंसा रहे हो? मुझे पता था कि तू जरूर बोलेगा, शाम को मिलते हैं और प्रूफ भी मिल जाएगा तुझे। ओके। देव दीक्षित, अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। भाई ये कुछ ऑडिट रिपोर्ट्स है जो आपके साथ डिस्कस करनी है। अभी नहीं विकी, आई नीड सम टाइम। ओके, जैसे आपकी मर्जी। इंटर्न आंटी, कैसे हो तुम? आंटी हम सब ठीक हैं, लेकिन हम आपसे बहुत नाराज हैं। क्यों? मैं तो हाँ आंटी, दिस इज रियली नॉट डन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मैं अपना इस्तीफा वापस लेने आई हूँ। रियली? उस दिन आप मेरे घर आए थे और आपने मुझे कहा कि मुझे नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, इसलिए अगर इस ऑफिस में अब भी मेरे लिए जगह है तो मैं। जगह आपके लिए इस ऑफिस में हमेशा रहेगी, आपकी जगह और कोई नहीं ले सकता। सो यू वेलकम बैक टू आवर कंपनी। थैंक यू। और भी एक बात कहनी थी मुझे आपसे। जी बोलिए। इस ऑफिस में आप मेरे बॉस और मैं आपके इंटर्न बनकर ही रहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि घर की बातें यहाँ दफ्तर तक आए, इसलिए ये अच्छा होगा कि हम घर की वो बात यहाँ किसी से। ये बात आपकी बिल्कुल सही है और मैं इससे अग्री करता हूँ। आप यहाँ सिर्फ मेरी इंटर्न है और मेरी फेवरेट एम्प्लॉय, एंड आई प्रॉमिस यू दैट। बस मेरी एक कंडीशन है। क्या? आप मुझे आप मत बोला कीजिए प्लीज। ऑसम ऑसम। इतना शौक क्यों? मैंने किसी का बर्थडे तो मिस नहीं किया। Three cheers for the best boss in the world. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray!
ये सब क्या हो रहा है? जैसे आपको पता ही नहीं, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आप अकेली ले आई और हमें बताया ही नहीं। सेलिब्रेशन तो बनता है ना डॉक्टर बोस। मिस बोस, खुशी का मौका है, यू शुड सेलिब्रेट। लेकिन अगर आप सेलिब्रेट नहीं करना चाहती, फिर भी मैं आपको सेलिब्रेट करवाऊंगा। इतनी जल्दी तुम लोगों ने केक भी अरेंज कर लिया? कम ऑन मैम, केक तो आप ही काटेंगी। सिली गर्ल, खुशी में खुश होते हैं, इतना भी नहीं पता? खैर क्या हुआ, मैं तुम्हें खुशी के इतने रीजंस दूंगा कि तुम्हें खुश होना ही पड़ेगा। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। सेलिब्रेट मिस बॉस, ये तुम्हारी जीत है और तुम्हारी जीत ही मेरी जीत है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।